नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत की सामरिक ताकत बढ़ी, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने स्वदेश में विकसित परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ओडिशा तट के करीब व्हीलर द्वीप से आज सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह 1 टन से ज्यादा परमाणु आयुध ले जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों की प्रशंसा की और कहा कि अग्नि 5 देश के सुरक्षा बलों के लिए एक बेशकीमती संपत्ति है। अग्नि 5 का पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को और दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013 को इसी जगह से हुआ था। यह मिसाइल करीब 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा इसका वजन करीब 50 टन है। विद्यार्थियों के लिए CBSE ने जारी की टोल फ्री हेल्पलाइन। CBSE बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले स्टूडेंट्स को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए CBSE एक हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है। यह हेल्पलाइन 2 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगी। हेल्पलाइन के माध्यम से स्टूडेंट्स बोर्ड के विशेषज्ञों से अपने विषय संबंधी सवाल पूछकर अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकेंगे। टेली काउंसलिंग के इस प्रोजेक्ट में देश भर के 72 स्कूलों के प्रिंसिपल ट्रेंड काउंसलर शामिल हैं। विद्यार्थी फ्रंटलाइन टोल फ्री नंबर 1800118004 पर डायल कर सकते हैं और उसके बाद उनकी कॉल को काउंसलर के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में नमस्ते ओबामा सप्ताह। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सफल भारत यात्रा को प्रतिबिंबित करते हुए व्हाइट हाउस ने वेस्ट विंग में इस सप्ताह को नमस्ते ओबामा करार दिया है। व्हाइट हाउस के ब्लॉग पर शुक्रवार को सप्ताह भर की शीर्ष खबरों को डालते हुए ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी के वीडियो निदेशक एडम गार्वेर ने लिखा है कि यह 23 जनवरी से 29 जनवरी है या फिर नमस्ते ओबामा। वीडियो में ओबामा भारत की जनता को नमस्ते कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव ने उड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ वार्ता में महंगा सूट पहनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहते हुए मजाक उड़ाया कि गरीबों की कसम खाने वाले मोदी को खादी का सूट पहनना चाहिए था। लालू ने प्रधानमंत्री के शानदार सूट पर चुटकी लेते हुए कहा कि बारीक लाइनों वाला सूट बहुत महंगा था, ऐसा लगता है कि सूट को ड्राई क्लीनिंग के लिए फ्रांस भेजना पड़ेगा। लालू ने हालांकि यह भी कहा है कि उन्हें पता था कि उस दिन ठंड भी बहुत थी। मोदी की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले लालू ने कहा कि पहन लिया तो पहन लिया, क्या कर सकते हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वाक युद्ध तेज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वाक युद्ध तेज हो गया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवा पार्टी पर वोट हासिल करने के लिए अनैतिक व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है। उत्तर पूर्व दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने मतदाताओं को रिझाने के लिए लंबे चौड़े वादे किए लेकिन जीतने के बाद कुछ ठोस नहीं किया। दूसरी ओर करोल बाग की रेगरपुरा रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आप पर हमला बोलते हुए दिल्ली की जनता से कहा कि इन चुनावों में वे आपको पीछे के दरवाजे से घुसने का मौका न दें। उन्होंने आपको एक समस्या करार दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।